कंप्यूटर नेटवर्क में बात कर रहे थे, तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ओएसआई मॉडल देखा। ओएसआई मॉडल में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे सोर्स से डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, यानी कि कौन कौन से वेरियस फेस होते हैं, कौन कौन से लेयर्स होती हैं जिससे कन्वर्ट होकर डाटा एक सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इसमें किस तरह से कन्वर्जन होता है, यहाँ पे किस तरह से वो दोबारा उसी फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट होता है डाटा, इसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन इस मीडियम के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया कि ये कैसे डाटा ट्रांसफर होता है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, ये जो मीडियम होता है जिसके थ्रू ये डाटा एक नोड से दूसरे नोड तक जाता है, उसी के लिए हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हैं। तो चलिए ट्रांसमिशन मीडिया को देख लेते हैं। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया टू टाइप का होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब मोबाइल फोन नहीं थे तो उसके पहले हमारे घरों में, जो आज भी है वैसे, तो मोबाइल की जगह एक फोन होता था, उसमें एक रिसीवर कनेक्ट होता था जिसको हम कान में लगा के बात करते थे, और एक वायर होता था जो अंडरग्राउंड होता था, और वो जाके सभी जितने भी और अलग फोन हैं या जो अलग लैंडलाइन नंबर हैं उनसे कनेक्ट होता था, और सबके पास एक रिसीवर होता था, वहां से हम लोग बात करते थे। तो ये डाटा इस वायर के थ्रू यहाँ जाता था। आज के टाइम में क्या है, मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, किसी वायर के कनेक्शन की जरूरत नहीं है, हम लोग बिना वायर के एक दूसरे से बात करते हैं, वो जाता है सिग्नल के फॉर्म में। तो ये दो मीडियम है बेसिकली, एक वायर्ड और एक वायरलेस, तो इन्हीं को बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो बेसिकली इसको टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज गाइडेड और फिजिकल, और सेकेंड वन इज अनगाइडेड। इसको आप बोल सकते हैं फिजिकल, या इसको बोल सकते हैं वायर्ड, इसको बोल सकते हैं वायरलेस। तो डाटा हमारा ट्रांसमिट दो तरह से हो सकता है, या तो कोई वायर कनेक्ट हो जिसके थ्रू डाटा जाए, या फिर वायरलेस यानी कि कोई वायर कनेक्ट ना हो। तो ये गाइडेड और अनगाइडेड टू टाइप से हमारा डाटा ट्रांसफर हो सकता है। तो अब ये वायर कितने तरह से होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली वायर को फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है वो है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर। दूसरा है कोएक्सियल, कोएक्सियल। एंड द थर्ड वन इज फाइबर ऑप्टिक्स। तो बेसिकली इनको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ऐसे तो याद होगा नहीं, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर की। देखिए बेसिकली जो वायर होते हैं वो तीन टाइप से ही डिजाइन होते हैं, या तो ट्विस्टेड पेयर होगा, या कोएक्सियल केबल होगा, या फाइबर ऑप्टिक्स होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, घुमा हुआ, यानी कि हमारे पास देखिए जनरली जो डाटा वायर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, सॉरी और सेकंड वायर इस तरह से होता है। तो ये तो दो वायर एक दूसरे के ऊपर लपेटे हो गए होते हैं, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर। अब इस ट्विस्टेड पेयर रखते क्यों, हम इसको डायरेक्ट पैरेलली भी तो यूज कर सकते हैं, दो वायर इस तरह से भी तो यूज कर सकते थे। तो ये ट्विस्टेड पेयर कैसे यूज करते हैं, तो आपको अगर आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वो डाटा एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, तो दो एनर्जी जब पैरेलली जा रही होंगी तो उसमें इंटरफ्रैक्शन होगा। तो इंटरफ्रैक्शन से क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है उसका लॉस होगा। तो जब हम ट्विस्टेड कर देते हैं इसको तो इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाती है, और इसमें कोई डाटा का लॉस नहीं होता है, इसलिए हम लोग ट्विस्टेड पेयर का यूज करते हैं। तो जनरली जो आपका केबल होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल हम लोग खरीदते हैं। अगला आपका आता है कोएक्सियल केबल।
कोएक्सियल केबल का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास एक वायर होती है, हमें बेसिकली टू वायर की जरूरत होती है, तो एक वायर होता है उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है, ये इसका इंसुलेटर है, उसके ऊपर चारों ओर एक दूसरा वायर लपेटा जाया गया होता है और उसके ऊपर एक और आपका इंसुलेटर होता है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड सॉरी कोएक्सियल केबल, जो कि आप जैसे डीटीएच आप यूज करते हैं, टीवी केबल जो होती है वो कोएक्सियल केबल के फॉर्म में होती है। उसमें क्या होता है, एक अंदर एक मेन वायर होता है और एक बाहर चारों तरफ से लपेटा हुआ एक वायर होता है, इन दोनों वायर के थ्रू डाटा जो है ट्रांसफर होता है, जैसे कि हमारे डीटीएच के कनेक्शन या हमारे टीवी केबल जो केबल्स होती हैं वो सारी कोएक्सियल केबल होती हैं। और लास्ट वन है फाइबर ऑप्टिक, जो सबसे तेज है, सबसे इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। फाइबर ऑप्टिक्स में होता क्या है, अगर आपने फिजिक्स में क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ा हो, जिसको बोलते हैं फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कॉन्सेप्ट रहा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं याद है तो। उसमें होता क्या है कि कांच कांच की पतली सी नली होती है, अब उसमें लाइट जाती है जब, तो देखिए कांच में क्या होता है कि लाइट थोड़ी सी जब बाहर निकलती है तो थोड़ी सी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि अपने पथ से थोड़ी सी चेंज कर जाती है। तो ये जैसे कि मान लीजिए लाइट कांच ये है और ये चेंज करेगी, ये देखिए ये इसका ये इस तरफ को चेंज करेगी, तो देखिए इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन कांच में गुजरने की वजह से थोड़ी सी चेंज हो गई। अगर हम इसको इस तरह से डिजाइन करते जाएं, इसका एंगल इस तरह से बढ़ाते जाएं कि ये कंडीशन ऐसी आएगी कि मान लीजिए और इसको थोड़ा सा इतना किया तो ये देखिए अभी ये इतनी रिफ्लेक्ट हुई थी, फिर ये इतनी रिफ्लेक्ट होगी और ये इसको छू के निकल जाएगी, यानी कि उस पार कुछ नहीं निकलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो होगा क्या कि ये और ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस तरफ चली जाएगी, यानी कि ये उसी के अंदर वापस लौट आए। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें होता क्या है, ये जो जो हमारी लाइट है या जो इन्फॉर्मेशन लाइट के फॉर्म में जाएगी वो लौट के उसी में वापस आ जाती है, फिर नीचे ये लाइन दूसरी बिछी हुई है तो यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे आप लोग डाटा इस तरह से जाता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये चूंकि लाइट के फॉर्म में डाटा जाता है तो इसकी स्पीड सबसे तेज होती है, क्योंकि अभी तक हमें पता है कि लाइट से तेज स्पीड से कुछ चल ही नहीं सकता, सबसे तेज स्पीड जो होती है वो लाइट की होती है, तो ये लाइट की जो स्पीड के साथ इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे तेज होती है फाइबर ऑप्टिक्स की। तो ये ऐसे डिजाइन नहीं होता, इसके लिए काफी वो होता है, इसकी कई लेयर होती है जिससे कि ये इस तरह से बन जाए कि कोई भी डाटा बाहर ना निकले, जैसे यहाँ पे कुछ डाटा हो सकता है बाहर निकल जाए, लेकिन इसमें को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सारा डाटा जो है वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके यहाँ निकले। तो ये हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है। अगले जो है वो है अनगाइडेड। तो अनगाइडेड भी बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड की है, रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। इसको भी हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, रेडियो, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। देखिए होता क्या है, जो हमारे पास जैसे रेडियो स्टेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड होती है, चलिए पहले इसको समझते हैं। रेडियो जो हम लोग रेडियो सुनते हैं वो रेडियो वेव के थ्रू आते हैं, जिसपे हम लोग ऑडियो को भेजते हैं। माइक्रोवेव में हम लोग ऑडियो वीडियो सब भेज सकते हैं, इंफ्रारेड भी, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपका फिजिक्स पूरा फिजिक्स पे बेस्ड है, इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको आपको सिर्फ थ्योरी समझनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए होता क्या है, लाइट का जो स्पेक्ट्रम, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें लाइट में स्पेक्ट्रम था, उसमें स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग टाइप का वहां पे था। जैसे कोई रेडियो वेव है तो उसमें किस टाइप का सिग्नल भेजे जा सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, तो ये यहाँ पे था माइक्रोवेव थी और कुछ इंफ्रारेड जो था इंफ्रारेड। तो इनमें क्या होता है, इन फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है, जैसे हम लोगों को फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे अगर हम लोग रेडियो की बात करें तो अगर हमने जैसे लगाया 92.7, तो 92.7 पे 92.7 चैनल ही पकड़ेगा, अगर 92.8 लगा दिया तो ये चैनल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसकी फिक्स है कि ये इसी फ्रिक्वेंसी पे जो है डाटा भेजेगी, अगर आपने दूसरी फ्रिक्वेंसी चेंज कर ली तो वो डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो यही होता है कि इसमें हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी को बांट रखा है, क्योंकि इस जैसे मोबाइल की बात करें तो हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है कि एक कंपनी जो है, जैसे आप कोई एक कंपनी का मोबाइल लिए हैं, उस सिम कार्ड के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज होगी कि इसी रेंज में वो अपना डाटा भेजेगी, दूसरे के लिए अलग रेंज होगी, तो इस तरह से डाटा डिवाइड होता है।
तो ये ट्रांसमिशन मीडियम था कि कैसे ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है उसको आप देख सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है। वैसे इसकी कोई खास ज्यादा जरूरत होती नहीं है। अगर आप इस पर रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन फ्रीक्वेंसी का डिवीजन किस प्रकार से होता है ये सारी चीजें कवर करनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।